जगदीश प्रसाद शर्मा, राजस्थान सादरपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू। प्रॉब्लम यही है, कान तो बचपन से बंद है, एक कान, दूसरा कान साढ़े साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले तो सुनाई देता था, वो एक्सीडेंट के बाद में कभी सुनाई देना हो गया। तो तीन चार डॉक्टर को दिखाया, बताया वही मेडिसिन दे दिया, लास्ट में यही बोले कि इसको मशीन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ही बताया उन्होंने कि इलाज नहीं बताया, टेबलेट ये खाओ इससे कुछ रहेगा। जैसे एक बार एक डॉक्टर के पास गए, वो बादाम रोगन आता है, वो खान में डालो और एक टेबलेट खाओ, ठीक हो जाएगा, उसके बाद में मशीन लगाओ, मशीन लगाने से ही ठीक होगा। आपके बारे में तो ऐसे ही मैं पूरे यूट्यूब पे देखा था, मैं गुवाहाटी रहता हूँ। अच्छा, गुवाहाटी था। तो इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये उसको एक बार है, मैं गाजियाबाद एक डॉक्टर को जो इंजेक्शन लगाया आपको बताया था, इंजेक्शन लगाया तो ठीक है, और इंजेक्शन बाद फिर वो बस ही फिर इसने बंद कर दिया। फिर मैं इसको आपका ये यूट्यूब पे हम बोला हम अभी आएगा, मैंने दो महीना रुको तो अहमदाबाद वहाँ रहते हैं भाई लोग, तो अहमदाबाद चलेंगे, मेरा मामा का लड़का मासी इधर में काफ़ी सालों से रहते हैं, तो मैं इसको बात घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ से नहीं सब ठीक हो जाएगा। नहीं अभी तो जो आपने किया उससे तो लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। हाँ वही तो, जैसे ये बोला, जैसे आपने फर्स्ट में दवाई डाला तो मैंने इसे पूछा क्या हुआ, बोला अंदर में कीड़ी सा घूम रहा है, तो वो इसका मतलब कुछ इम्प्रूव होगा। फिर एक घंटा बाद दूसरे में डाला, उसमें हो रहा है, उसमें पहले जो पीपी जो हो रही थी पूछा, तो बोला तो थोड़ी देर के बाद दोनों कान में बंद हो गया। तो उस हिसाब से मैंने इसको कहा कि कुछ होना चाहिए, आप पहले नहीं सुनाई देता था इतना, पहले तो पास से इसको जोर से बोलते थे ना, कुछ तो एक चीज हो रहा है ना, जब आदमी कुछ हो जाता है ना, उम्र ज्यादा है नहीं, वैसे ही दिमाग में एक तो आ जाता क्या हो गया मेरे, तो मैंने इसको समझाया तू चिंता मत कर, घबरा मत। उनके लिए ये संदेश है जिसको सुनाई नहीं देता हो, एक बार आए इलाज कराए, जैसे हमको लग रहा है उसी हिसाब से इलाज कामयाब होगा।